हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। राम राम बोल भैया। राम राम भैया बताइए। जितने भी बड़े मालिक होने दो, कंपनी होने दो, संस्था किसी से डरने वाली नहीं है। आप लोग जब तक साथ है, जब तक आप लोग साथ दीजिएगा तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। और आईडी का जरूर बनवाइए और आईडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। जय हिंद। रहे हैं तो एक समस्या हो गई है हमारी। बताइए। समस्या क्या है? हम 14 तारीख को शाम को वहां से चले आए हैं मशीन से। कौशिक लखीमपुर से, हाँ, लखीमपुर से। यूपी से। हाँ जी। हाँ, तो महाराष्ट्र में जो हम मशीन चला रहे थे वो मशीन छोड़ के चले आए हम। मशीन छोड़ के नहीं आना चाहिए ना आपको। हाँ, कितना तारीख को छोड़े? 14 तारीख को। या हमको कॉल करना चाहिए ना उस दिन। अरे भैया, आपको क्या बताएं, ऐसी परिस्थिति फंस गई थी कि मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ। और मेरा मेरा फोन जब तक हमने स्वी मतलब फोन जब स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद में फिर जब यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लगाया हमने फोन चार्जिंग पर, तब चार्ज हुआ। उसके बाद में ट्रेन आ गई, फिर हमने अपनी सिम निकाल के रख दी। मैंने बोला अगर सिम रखेंगे तो मालक जो है फोन करेगा बार बार, इसलिए हमने सिम निकाल दी। फिर अभी घर पहुंच के हमने फिर अपनी जब नई सिम ली है दूसरी, तब मैंने आपके पास फोन किया। ऐसा करिएगा तो कैसा भैया, मशीन छोड़ के आ जाइएगा। फिर इस तो गलत काम है ना ये। हाँ, फिर तो फिर अभी क्या करें? नहीं, अब मशीन छोड़ के आ जाइएगा तो ये तो बहुत गलत काम है ना। फिर अगला क्या बोलेगा बताइए। वही तो बात है, वो तो कुछ भी बोल रहा है। फिर वो बोलेगा भैया डीजल बेच के, डीजल चोरी करके भाग गया। डीजल चोरी करके नहीं बोल रहा है, तो हाँ 2 लाख रुपए का इल्जाम लगा रहा है। फिर आपको बोल के आना चाहिए ना। अरे बोल, वो बोल के मैंने उसको 15 दिन 1 महीने पहले बोला कि भैया मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा करो मेरी छुट्टी कर दो। तो बोला ठीक है, रुक जा, मैं ऑपरेटर दूसरा बुला लेता फिर जाना। तो मैंने बोला ठीक है भाई। उस दिन के बाद फिर मैं 10 दिन रुक गया। 10 दिन के बाद फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला ऑपरेटर बुला लो। बोला हाँ, ऑपरेटर बुलाया है, वो 2 4 दिन में आ जाएगा, बोला कन्फर्म हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर एकदम से मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, तो मेरे को अचानक में आना पड़ा वहां से रात में। वो बात तो सही है भैया, दादाजी की तबीयत खराब हो जाए, बिना पैसा के तो इलाज भी नहीं होगा ना। नहीं, वो बात सही है, पैसे के लिए उसको बोला भी था। मेरा मेरा 4 महीने का जो पैसा था, मैंने उसको बोला भी था कि भैया मेरा पैसा दे दो, मेरे घर पे थोड़ी समस्या है। तो वो पैसे के लिए भी मतलब ऐसे घुमा रहा था इधर उधर, इसलिए। कुमार तो ठीक है, लेकिन आप तो भैया आप लोग गलती कर देते हैं। इतना मतलब गलती कर देते हैं। बस बताइए, 2 लाख का आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिए। हाँ, ये गलती है ना ये सब। अब मशीन छोड़ के भागते क्यों नहीं आप लोग? जब संस्था आप लोग के साथ है तो अब मशीन छोड़ के भागिएगा तो भैया संस्था किस तरह मदद करेगी बताइए। क्या सही बात है। बोलेगी वहां पर? अपना में गलती होने से ना बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, अभी तो भैया आप वो 2 लाख रुपए इल्जाम जो लगा दिया है, गलत इल्जाम जो भी आरोप लगा है, उसको हाँ साबित करते करते भैया आपको लग जाएगा 15 से 1 महीना, हाँ तब ना पेमेंट का मुद्दा पड़ जाएगा। वही तो बात है। ये थोड़ा गलती ऐसा मत किया करिए महाराज। कहाँ का मालिक है बताइए? माले कुदरी का है, अमरावती इतवारा का। अमरावती ना। हाँ, जी। उससे पहले क्या था मैं आपको बताऊंगा। उससे उससे पहले मेरे से पहले जो ऑपरेटर था उस मशीन पे, हाँ जी। वो ऑपरेटर मालक को गाली दिया फोन करके। बोला तेरी मशीन को मैं फाड़ दूंगा, ये है वो है, सब कुछ उसने बोला। उसके 2 दिन के बाद मैं वहां से चला आया। मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हारा ये नुकसान करूंगा, ये चोरी करके ले जाऊं, कुछ भी नहीं। मैं केवल उससे पहले अपने पैसे मांगा करता था बस। मैंने उससे कभी आने का समय उसको फोन करना चाहिए ना कि मैं सेठ, हमको घर जाना है, हमको अर्जेंट, हमको अभी जाने का भी पैसा दे दीजिए, बाद में जो पेमेंट होगा हम दे सकते हैं। नहीं, वही तो गलती हो गई भैया। या आप लोग बच्चे नहीं ना हैं, मेरी गलती हो जाता है, बच्चे से गलती होता है। सही बात है आपकी, मगर हम मजबूर थे ना, क्या करते फिर वहां नहीं मजबूर ठीक है। अब मान लीजिए आपका दादाजी का तबीयत ठीक है, किसी का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो पे। हाँ, आपको आने से तो तबीयत ठीक नहीं होगा।
वो तो बात सही, डॉक्टर तो पैसा लेगा ना, बात सही है आपकी। आप पैसा कहाँ से लाइएगा उस टाइम जब आप मशीन छोड़ के आ जाइएगा। आप तो यहाँ से पैसा भेज भेज कर किसी से इलाज करवा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पैसे, पास भेज सकते हैं। वो पैसे तो नहीं भेज रहा था भैया, इसीलिए तो हम बहुत परेशान हो गए। मैंने बोला घर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है और इधर से मेरी बात सुन नहीं रहा है मेरा सेठ। मैंने बोला इसके पास काम करने का कोई मतलब तो है नहीं, तो पैसे देने के आप लिए। हाँ 4 महीना से काम कर रहे थे, कितना महीना से काम कर रहे थे उसके पास? 4-5 महीने से उसके पास काम कर रहे हैं, तो वो मेरे को केवल कितना कितना दे रहा है, कभी 2,000 दे रहा है, कभी 3,000 दे रहा है। आप बताइए ये पैसा क्या काम में आता है? हाँ 10-20 हज़ार एकदम से लगाते हैं, कोई पैसा इकट्ठा तो वो पैसा काम में लगता है। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन आप हाँ 2,000 3,000 करके कितना दे दिया है टोटल? दो दो तीन तीन दो दो तीन तीन हजार करके उसने केवल मेरे को दिया है 10-20 हज़ार रुपये। 20,000 रुपये आपका पेमेंट कितना निकल रहा है? उसके पास मेरा निकल रहा है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये। बुझवल मत बुझाइए, कितना निकल रहा है ये फाइनल बताइए। फाइनल मान के चलिए आप 30 हज़ार रुपये। 30,000 रुपये, हाँ 30,000 रुपया। कितना पेमेंट कितना दे रहा था आपका? पेमेंट हमारा दे रहा था 17। 17,000। 17,000 दे रहा था ना? करवाओ भैया कुछ। उसने मतलब एप्लीकेशन दे दिया है एनसीआर में। हाँ हाँ तो उसने 155 धारा लगवाई है हमारे ऊपर। 155 धारा लगवाई है। तो हाँ बहुत समस्या में फंस गए हैं, क्योंकि हम अपने घर से इतने गरीब हैं और एक एक ऊपर से एक साला केस चलेगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। नहीं वो केस को तो भैया कुछ संभालेंगे। आप ये काम करिए, उसका नंबर भेज दीजिए किसका? मालिक का। ठीक है मैं मालिक का नंबर देता हूँ आपको, नहीं मगर आप मेरा नंबर मालिक को मत देना। नहीं नहीं देगा ना। आप हाँ ये काम करिए ना, ये करिए भेज हाँ दीजिए, क्या बोलते हैं नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है? और व्हाट्सएप। उसका उसका व्हाट्सअप भेज दीजिए, व्हाट्सअप पर भेज दीजिए। और ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं हाँ उसका एड्रेस जो भी होगा उसका हाँ नाम पता वो भेज हाँ दीजिए। ठीक है ठीक कौन सा मशीन चलाते हैं, हाँ एक्सेवेटर जेसीबी जो भी चलाते हैं, लिख कर भेज दीजिए। हाँ और बाकी डिटेल्स जो जितना कितना तारीख से आप ज्वाइनिंग किए हैं, कितना तारीख को मशीन छोड़े हैं, ठीक है ठीक है आप ऊपर क्या इल्जाम लगा रहा है, ठीक है? हाँ। क्या बोल रहा है, मैंने क्या इल्जाम लगा रहा है बताइए। इल्जाम मतलब यही बोल रहा है, मेरे पिताजी के पास फोन किया था, उसने बोला तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ से 2-3 लाख रुपए का सामान लेके गया है। हाँ, दो 3 लाख रुपए का सामान लेके गया है। हाँ वही इल्जाम लगा रहा है, और हमने कुछ वहां से हम लेके भी नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं किया, हम तो वहां से आप निकल गए। हाँ तब डरिए मत ना, डरने का हाँ क्या बात है महाराज? हाँ जब आप चोरी किए नहीं है, ये हाँ डरने का क्या बात है इसमें? सही बात है। आप संस्था आपको सपोर्ट करेगी, काहे टेंशन ले रहे हैं, हाँ इतना हाँ तो मदद जरूर करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये करिए उसका नंबर भेज दीजिए, बात कर लेते हैं क्या हुआ है। हेलो, हेलो। हाँ जी, आप एक ऑपरेटर आपके पास काम कर रहा था जिसका नाम कौशिक है। हाँ, हाँ बोलो। तो आप उस पर इल्जाम लगाए हैं कि मेरा 2 लाख का सामान खोल के लेकर चला गया है। बता सकते हैं क्या खोल के सामान लेके गया है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। ऑपरेटर एकता सहायता हाँ फाउंडेशन, सुनो सुनो, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन एनजीओ है एक, ठीक है? हाँ हाँ बताइए, आप उस पर एक गलत एफआईआर करके उसको डरा नहीं सकते हो, पहले बात, पहले नंबर बात। और जो आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा है ना आदमी, कितना बड़ा हो कोर्ट में पता चल जाएगा। चलता है ना, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है ना। नहीं, दिक्कत नहीं है ना, आप नहीं, पहले कोई तो दिक्कत सुनो नहीं। सुनो, झूठा पहले तो उसके ऊपर एक गलत झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम कुछ भी नहीं लगाया, मशीन आके देख लो आप। नहीं, मशीन आके देख लो, वो तो आके देख लेंगे, घबरा आ मत, जाओ फिर, आ जाओ फिर, आ जाओ। वो तो आके देख लेंगे तुम्हारा दोनों मशीन में का क्या मशीन देख छू। लो, कोई नहीं किसान क्या, की मशीन काटने का चार गलती नहीं महीना मेरे का, नाम लिख सुनो लिया सुनो, 4 महीने से सैलरी नहीं दिया उसका, है। जाके नहीं चार दिया महीने से उसको, पेमेंट क्यों नहीं दिया फिर बता? बता।
सुनो मेरी बात, अकाउंट डिटेल भेजता मैं नहीं यार, अकाउंट डिटेल्स उसके वो मेरे पास भेजा है ठीक है ऑलरेडी, उसको कितना पेमेंट दिया है तुम और कितना पेमेंट उसका बाकी है मेरे पास पूरा सबूत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनो सुनो सर, अब तुम्हारे ऊपर यहाँ से हम फाइल करेंगे, तुमको तुम उसको मारे हो पीटे हो और यहाँ से इल्जाम हम खुद लगाएंगे, हम यहाँ से उल्टे एफआईआर मेरे नाम से कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से एफआईआर कर रहा है उसको, मैंने उसके मारा होगा तो मेरे नाम से एफआईआर कर दो। हाँ नहीं हाँ, तुम मारा है ना उसको, तुम उसको मारा है, तुम उसको मारा है पीटा है, तब तुम मशीन छोड़ के चला गया है, तुम ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो ना, ऊपर तुम्हारे ऊपर आईपीसी 155 कर देंगे उल्टा। 155 करो, 270 करो, 307 करो, मेरे को लेन देन नहीं, मैं कोई गाली भी दिया होगा तो मेरे ऊपर एफआईआर करो। नहीं नहीं, तो ऊपर सबूत है ना उसका पास, तुम उसका धमकी दियो, तुम उसका पिताजी को, और धमकी का भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, उसमें भी धारा लगेगा। करो ना। हाँ मैं तो अभी तुम सोच रहे हो ना कि वो एक ऑपरेटर है ना, लेकिन उसका पीछे कितना आदमी है ये तुमको पता नहीं है, और ये भारत में ना ऑपरेटर एकता बनने वाला है, तब तुमको पता चल जाएगा। तुम लोगों साले लोग पेमेंट नहीं देते हो, काम करा लेते हो, पेमेंट देने के समय डरते हो। हाँ कौन सा पेमेंट नहीं दिया उसको? चुप, कौन सा पेमेंट नहीं दिया सब पता चल जाएगा साले। 2000-1000 पेमेंट देते हो, ये कोई उसका घर परिवार चल जाएगा 2000, 10 दिन पर 2000 दोगे? दो तीन बार 10000 चुप, तमीज से बात किया करो, तमीज से बात किया करो। नहीं अच्छा नहीं होगा, ये पहले बतला रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम कहाँ रहते हो? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र